अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में? मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बड़ी अनोखी सी शेयरिंग कर रही हूँ आपके साथ। तो मैं जा रही हूँ जी अपने बेटे का जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, नादरा का और बेटी का भी। तो उन दोनों की चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और जो है ना वैक्सीनेशन कार्ड से भी बना देते हैं और वो जो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होता है ना वो भी। और साथ साथ यहाँ मुझे अपना शनाख्ती कार्ड भी रिन्यू कराना है। मेरा पहला शनाख्ती कार्ड पहली दफ़ा एक्सपायर हुआ है, तो देखते हैं अब उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से रिन्यू करेंगे। तो साथ साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा, लाइक भी करिएगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस में आप लोग को पता ही होगा कि बच्चों के बनते हैं जी वो क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। असल में हम लोग थोड़े से लेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट तो कब के बन जाने चाहिए थे। अब स्कूल में एडमिशन हुआ है तो वहाँ से रोज़ वो कहते हैं कि कब आप लोग सबमिट कराएंगे। और यहाँ फिर हम लोग निकल आए थे जी, मेरा अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू कराना था मुझे। तो जो है ना अब देखें शनाख्ती कार्ड का क्या प्रोसेस है, इसके बाद जाएंगे नादरा। डीसी ऑफिस कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग बताइएगा आप लोग के सिटीज़ में कैसे होते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ये नादरा मेगा सेंटर, और यहाँ रोड का कुछ ऐसा हाल है कि अभी मैं गिरते गिरते बची हूँ, बहुत बुरा हाल है। अब शायद अंदर वीडियो अलाउ ना हो तो मैं पहले तो आपको बाहर से ही दिखा दूँ, अल्लाह करे मेरा ये रिन्यू हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो है ना ये जो अर्जेंट का टोकन अलग होता है और रेगुलर का अलग होता है। मैंने अर्जेंट बनवाया था तो आप काउंटर पे ही बोल देंगे कि हमें अर्जेंट बनाना है, तो वो उसका आपको टोकन अलग देंगे। और रिक्वायरमेंट रिन्यू के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना पुराना वाला शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और ख़ुद तो ज़ाहिर बात है जाना है, और उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बनवाने में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 मिनट्स मेरा NIC बन चुका है, ये देख सकते हैं इसकी ये सारे अर्जेंट। आपको ये फ़ीस दिख तो रही है, 1500 रुपये मैंने दिए हैं। और जो है अर्जेंट जो थे ना वो ये तो खुले गाड़ी तो बोलो एक मिनट में। अच्छा तो भाई अर्जेंट का ये था कि ना एक अर्जेंट 2500 वाला था जो एक हफ्ते में मिलना था, और एक था 1500 वाला जो कि 15 दिन में मिलना था, और एक था महीने वाला जो कि 700 रुपये में था। तो हम लोगों ने ना अच्छा वो लोकल है, मेरा ये चिप वाला है ना, चिप वाला और लोकल आप लोग समझते ही होंगे। फिर जो है ना हमने 1500 वाला लिया। अल्लाह रहम, यहाँ रोडों का हाल देखे, नादरा के ऑफिस के सामने ये हाल है। अरे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम हो गए। और जो बच्चों के मैंने आपको पैसे बताना भूल गई थी, बच्चों के जो हमने बर्थ सर्टिफिकेट के पैसे कमाए कितने दिए? नहीं, यहाँ हमसे एक कौन है रेंजर्स वाले अहलकार पूछ रहे हमारी तस्वीर तो नहीं बना रही है बाजी। मैंने कहा नहीं बाजी नहीं बना। बहरहाल तो खैर बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के हम लोगों ने दिए 800-800 रुपये, क्योंकि हम लोग ने वो भी अर्जेंट बनवाए हैं, और अगर उसकी कम फीस देते 700-700 तो वो महीने में मिलते। और ये देखें हाल कुछ इस तरीके का है, और सामने है मतीन सेंटर, मतीन फूड सेंटर। हम लोग नॉर्थ नाजमाबाद वाले यानी अपने जोन में आते हैं, एन है और जोन के हिसाब से आना। हम लोग नॉर्थ में है तो ये जोन हमारा ये लगता है, ये एल है जहाँ नादरा है वो ब्लॉक एल ही सामने है। हाँ एल से हम लोगों ने वो बना, चलो खैर है एल एन से क्या होता है, बहरहाल अल्लाह करे एक हफ्ते में मिल जाए। बस गई और काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अब वो मिल जाएगा। रिन्यू कराने में किसी किसी को होती है प्रॉब्लम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं हुई। बस जहाँ बैठी फ़ौरन टोकन नंबर मेरा आ गया और हो गया। अब कुछ कर लेते हैं कोई प्रोसेस वगैरह यहाँ से, जो भी जाए वो ये याद रखें। और सुने मॉर्निंग, हाँ और मॉर्निंग टाइम में जाए, मॉर्निंग के टाइम और अर्जेंट के। मैं बच्चे स्कूल से आए और हम लोग 200 की लाइन थी। हाँ मेरा 8131 नंबर था, फौरन आ गया ना, लेकिन अर्जेंट की लाइन थी ना, लोकल का 200 नंबर। हाँ तो ये शुगर हो गया। मौसम इसलिए अच्छा लग रहा है कि अभी बहुत मॉर्निंग का टाइम है, और अब तो कुछ ले लेते हैं कुछ सब्जी वब्जी तो फिर घर चलते हैं। तो जी
वापसी में आ गए हम नासिर स्वीट्स पे और ये लेने पूरी ले ली है। वैसे तो नाश्ता करके निकले थे लेकिन फिर भी चलो लस्सी पीनी थी तो पूरी भी साथ में ले ली। और इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह इनकी पूरियाँ हैं। और ये नासिर स्वीट्स आप देख सकते हैं, ये भी नॉर्थ वाला ही एरिया, पता नहीं लोगों सही से आ रहा है या नहीं। और यहीं से मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।